श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं छिपाए तले कबाए के। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को किस प्रकार अपने संरक्षण में रखा है ये बात समझाई। अब कहते हैं मागी हुकुमे रूह की उज्जते। श्री राज्य के आदेश ने ही ब्रह्मात्मा बन करके खेल मांगा है। दीजे दुनी में लाड़ लज्जत। उन्होंने फिर अब ब्रह्मात्माएं बनी हैं तो उस राज्य का आदेश ही है। उसने ब्रह्मात्मा का रूप धारण किया है तो उसी ने फिर दुनिया में लाड़ लज्जत बोलते हैं। दुनिया का प्यार, दुनिया की वस्तुओं के साथ में उसमें प्यार तो क्या होता है, वो मोह होता है। सोहा का आप मगावत कर हाँसी जुदाई बीच वाये दत्त। वैसे देखा जाए तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही ये सब मगवा रहे हैं ब्रह्मात्माओं के द्वारा। और कर हाँसी जुदाई बीच वाये दत्त, परमधाम के अंदर रहते हुए भी दूर का अनुभव, वियोग का अनुभव करवा करके फिर ब्रह्मात्माओं के हंसी करवा रहे हैं। कबू न जुदागी बीच वाये दत्त। वैसे तो परमधाम में कभी वियोग होता नहीं है। ए इल्मे कि ये बेशक तारतम ज्ञान से ये तो निश्चित हो ही गया है। तहे की कब बैठे तले कदमों न जुदे रूहें हादि हक। हम निश्चित रूप से श्री राज्य के चरणों में बैठे हैं। हम कभी श्री राज्य और श्यामा जी से दूर ही नहीं हुए हैं, फिर भी दूरी का अनुभव हुआ है, हो रहा है। हुआ रब्द वास्ते इश्क सब बड़ा कहा अपना। हुआ रब्द वास्ते इश्क, प्रेम के लिए ही विवाद हुआ, चर्चा परिचर्चाएं हुई तो प्रेम के कारण ही हुई है, प्रेम की ही हुई है। सबों बड़ा कहा अपना, सबने अपना अपना बड़ा कहा। अब राज्य का तो है ही, इसलिए उन्होंने कहा। श्यामा जी ने अपने तरीके से कहा और ब्रह्मात्माओं ने भी अपने तरीके से कहा। हके हाँसी करी हादि रूहसों। श्री राज्य ने श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के साथ में हाँसी की, कहे देखो खेल फना। तो कहा कि चलो तुमको हम उसके नश्वर खेल दिखा देते हैं। खेल का जोश आया, सब खेल देखते ही सबको खेल का जोश आया। इश्क न रहा किन, तो प्रेम का किसी को ख्याल ही नहीं रहा। सब चाहे साए भी खेल की हका इश्क न नजिक तेन। इसलिए सब लोग ना खेल में साए भी चाहने लग गए, खेल में प्रभुत्व, खेल देखने लगे तो वहीं बड़े बनने के लिए चाह पैदा हो गई। इसलिए हक इसका न नजीक तेन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम उनके निकट भी नहीं आया। मतलब वो प्रेम से निकट भी नहीं है, ऐसा उनका लगने लगा कि अब दुनिया देखिए तो बस दुनिया में हम कुछ न कुछ महत्व प्राप्त कर रहे। था रब्द सबों इश्क का हक दे तो फिर याद। वैसे तो ये विवाद प्रेम का ही था, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बार बार स्मरण करवाते हैं। रुए क्यों ये न छोड़े खेल को, दुख ला गया ऐसा कोई स्वाद। ब्रह्मात्मा किसी प्रकार से खेल को छोड़ी नहीं रही है, खेल के प्रति मोह टूटा ही नहीं है। तो ये दुखपूर्ण खेल है,
उनको इतना अच्छा लगने लगा, तो उसी का वो स्वाद लेने लगी। जब देखिए सामी खेल के तो बीच पड़ियो ब्रह्मांड, जब खेल की दृष्टि खेल की तरफ से देखते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर, तो लगता है कि कितना दूर, पूरा ब्रह्मांड ही बीच में व्यवधान के रूप में है, पूर्ण ब्रह्म तो इतने दूर हैं, ऐसा लगता है खेल की दृष्टि से देखने पर। हाँ, इति जुदाई हक अरश के और खेल बजुद जो पिंड, इतना वियोग परमधाम से इतने दूर ऐसा लगता है, और खेल बजुद जो पिंड, खेल का स्वरूप और ये मतलब ये ब्रह्मांड और ये शरीर, तो इससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दूरी बहुत ज़्यादा लगती है। हम तो कहाँ दुनिया में है और परमात्मा तो परमधाम में है, राज्य परमधाम में, ऐसा लगेगा। हाका एल में ये पिंड देखिए, ये पिंड बीच अरसतन, जब तारतम ज्ञान से समझें और इस शरीर की तरफ देखें कि ये शरीर वास्तव में है क्या, तो लगने लगेगा कि ये तो परमधाम में राज्य के सम्मुख बैठी हुई ब्रह्मात्माएं हैं, उनके अंतःकरण की कल्पना ही है, बस उनके दिल में ही है, तो मात्र कल्पना है, ऐसा लगने लगेगा। ये पिंड बीच अरसतन, तो ये तो वो परात्मा के अंदर ही है। एक अजरा जुदागी ना रही अर्श वाय दत्त बीच वतन, तो परमधाम में अद्वैत भूमिका में जरा सभी वियोग है ही नहीं, ब्रह्मात्मा ही श्यामाजी सब राज्य के साथ में ही है, श्यामाजी तो राज्य के साथ में ही, ब्रह्मात्मा ही भी उनके सम्मुख ही है, कोई दूर है ही नहीं। जाहिर नजरों खेल देखिए, बाह्य दृष्टि से ये खेल देखते हैं, खेल की दृष्टि से तो कहूँ नजीक न अरसहक, न तो परमधाम नजीक दिखाई देता है, न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नजीक दिखाई देते हैं। तरफे भी न पाई कि न हूँ बीच इन चौदह तबक, तो इन चौदह लोक युक्त इस ब्रह्मांड में रहते हुए परमात्मा किस दिशा में, इधर हैं पीछे हैं इधर हैं, कुछ ये भी पता नहीं चलता है। जब थे पैदा भई दुनिया, रही दूर थे दूर, जब से दुनिया की सृष्टि हुई तो ये दुनिया के जीव हैं परमात्मा से दूर का ही अनुभव करते हैं, कभी उनके निकटता का अनुभव ही नहीं करते, सोची नहीं है। फना बका को ना पहुँचाई ताते कोई न हुआ हजूर, तो नश्वर वस्तुएं अखंड तक पहुंच नहीं सकती है, इसलिए कोई भी न तो परमधाम के ना निकट रहा, हजूर का तात्पर्य निकट, नहीं पूर्ण ब्रह्म के निकट रहा, कोई किसी को कोई पड़ी नहीं है, न तो परमधाम के विषय में पड़ी है, न पूर्ण ब्रह्म के विषय में पड़ी है, सब दुनिया में अपने अपने प्रभुत्व जमाने में लगे। दो गिरो उतरी दो अरस से, दोनों समूह ब्रह्मात्माओं का और ईश्वरीय सृष्टि का, दोनों स्थानों से परमधाम और अक्षरधाम से दुनिया में अवतरित हुए, रोहे और फिरस्ते ब्रह्मात्माएं और ईश्वरीय सृष्टि। हके इल्म भेजा इनो पर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इन ब्रह्मात्माओं के लिए इन्हीं आत्माओं पर ये ज्ञान भेजा है। सोले दो अरसों पहुँचे, उस ज्ञान को लेकर के ये दोनों अपने अपने धाम में पहुँचेंगे, ब्रह्मात्मा परमधाम में जागृत होंगे और ईश्वरीय सृष्टि अक्षरधाम में। आए फिरस्ते नूर मकान से, ईश्वरीय सृष्टि अक्षरधाम से आई है। अरस अजीम मकान रुवन, ब्रह्मात्माओं का घर परमधाम है। कलाम अल्लाह हक इल्म ए आए ऊपर रूह मोमिन, तो परमात्मा के वचन और जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें जो भी परमात्मा की बात कही है वो सब अल्लाह कलाम है, और उसको
स्पष्ट करने वाले, उस ज्ञान को खोलने वाली यह कुंजी है। ए कुंजी का तात्पर्य तार्तम ज्ञान। ए आए ऊपर रूह मोमिन, ये सब ब्रह्मात्माओं के लिए आए। ब्रह्मात्मा समझेंगे तो ईश्वरीय सृष्टि अपने आप समझेंगे, क्योंकि ईश्वरीय सृष्टि ब्रह्मात्माओं के सहयोग के लिए। दो गिरोह जो उतरी, दो अरसों से आई सोए, दोनों प्रकार के आत्माओं का समूह जो दुनिया में आया है तो दोनों धामों से ही आया है। सो आप अपने अरस में बिना लुदने ना पहुँचे कोई, किंतु आने में तो कोई कुछ लगा नहीं। अब लौटने के लिए अपने अपने घर में, तो तारतम ज्ञान के बिना उसमें कोई नहीं पहुंच पाएगा। आप अपने अरस में जाए न सके बिना इल्म, तारतम ज्ञान के बिना कोई भी आत्माएं अपने धाम में जागृत नहीं हो सकती। तो फुरमान इल्म भेजिया रोहे दरगाही जानक सम, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने घर की आत्माएं समझ करके, इनको मैंने ये खेल दिखाया है, अब इनको वापस भी बुलाना है, इनको धाम की बात भी याद दिलानी है, ऐसा सोच करके उन्होंने उनके लिए अपना आदेश भी भेजा और उस आदेश को समझाने के लिए ज्ञान भी भेज, तारतम ज्ञान भी भेजा। तो अरस कया दिल मोमिन, जो पकड़िया इल्म हक ब्रह्मात्माओं का, ब्रह्मात्माओं का हृदय को परमधाम इसीलिए कहा कि उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान इसको समझा, पहले उनको ये अच्छा लगेगा और बाद में फिर पीछे सुख हो इसी सबन, पहले उनको स्वयं को अच्छा लगेगा, बाद में धीरे 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 दूसरों को भी अच्छा लगने लगेगा। ऐसा हक सूरत शुद्ध अरसों की, रुआं रही न जरा शक। तो ब्रह्मात्माओं को जरा भी संदेह नहीं रहा किस किस विषय में, हक सूरत पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में और परमधाम और अक्षरधाम दोनों के विषय में, उनको कोई संदेह ही नहीं होता है। हाँ है, विश्वास हो ही जाता है सुनते ही। सोई मोमिन जाको शक नहीं और दिल अरस हक हुकुम। वास्तव में ब्रह्मात्माएं वही हैं जिनके अंदर शंकाएं नहीं रहती है, उनको समझ में आ जाती है, विश्वास हो जाता है। और दिल अरस हक हुकुम, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से तो उनका हृदय है वो परमधाम बन जाता है। पट खोले नूर पार के, आए दिल में हक कदम। इन्हीं ब्रह्मात्माओं ने नूर से परे परमधाम के पट खोल करके सबको बताया और उनके हृदय में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने चरण कमल रखे हैं, उनके हृदय को ही धाम बनाया है। इस प्रकार से तो ब्रह्मात्माएं किस कैसी है, उनको कितनी बड़ी संपत्ति प्रदान की है, तो वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। यथार्थम ज्ञान है, इतनी बड़ी संपत्ति है तो इससे सब चीज समझ में आ जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी के प्रसंग को यही रखते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आए दिल में हक कदम, सोई मोमिन जाको सक नहीं, और दिल अरस हक हुकुम। पट खोले नूर पार के, आए दिल में हक कदम, आए दिल में हक कदम। कृष्ण कन्हैया लाल की।
जय महाराज की।